हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं ईट स्ट्रीट, जो कि लोकेटेड है नेकलेस रोड पर। एक्चुअली हमारा कहीं और का प्लान था, पर ऑलरेडी 6:30 होने को आ गया था और वो 8 o'clock तक क्लोज हो जाता, इसलिए हम ज़्यादा एक्सप्लोर वो कर नहीं सकते। इसलिए हमारा प्लान चेंज हो गया और हम जा रहे हैं अभी ईट स्ट्रीट पर। और ये आ गए हम ईट स्ट्रीट के अंदर। 6:30 हो रहा है और आज फ्राइडे भी है, तो उतना क्राउड हमें देखने को नहीं मिलता है। मोस्टली यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ का प्लस पॉइंट ये भी है कि अगर आपके साथ बच्चा पार्टी है तो यहाँ पर उनके लिए किड्स प्ले एरिया भी रहेगा। और यहाँ के टाइमिंग से 8 AM टू 10:30 PM। और यहाँ पर आए और फोटोशूट्स ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। बेस्ट प्लेस है ये हैंग आउट के लिए फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ। और ये रहे फूड स्टॉल्स और ये रहा सेटिंग एरिया। और हमने दे दिया है ऑर्डर और फिर मुझे दिखा तिरंगा, और तिरंगा दिखे और मैं जूम इन जूम आउट ना करूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर हमारी नज़र पड़ी म्यूज़िकल फाउंटेन पर। और ये म्यूज़िकल फाउंटेन 6 PM के बाद स्टार्ट होता है, मैंने ये फर्स्ट टाइम देखा है, तो हम वहाँ पर भी जाके देखेंगे। और ये रहा हुसैन सागर लेक, और जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है ये हार्ट शेप में बना हुआ है और इसे इब्राहिम खुली कुतुब शाह ने बनाया है इन 1563। और ये पूरा लेक 5.7 square kilometers पे बना हुआ है। फिर हमारी नज़र पड़ी यहाँ पर बोट पे। वैसे हमें बोट पे भी बैठना है, तो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों डिशेस मिलते हैं। और अगर हम बात करें एम्बियंस की, तो बहुत अच्छा एम्बियंस है यहाँ का। और अगर आपको व्यू देखना है तो आप शाम के टाइम पे ही आए, क्योंकि शाम के टाइम पे व्यू बहुत अच्छा लगता है। फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बेस्ट फूड कोर्ट है, और फोटोशूट के लिए तो पूछो ही नहीं, बहुत अच्छा व्यू मिलेगा यहाँ पर आओगे तो। आप लोग शाम के टाइम पे स्पेशली लाइक अराउंड 6:30 के बाद ही आए। तो चलिए चलते हैं प्ले जोन में, क्योंकि हमारी बच्चा पार्टी को जाना था प्ले जोन में। तो ये रहा प्ले जोन। यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस रहेगा आपको 70 rupees से। बच्चा पार्टी के टिकट्स लेते लेते टिकट काउंटर पे हमने ये भी कंफर्म कर लिया कि बोट के क्या टाइमिंग्स है और क्या प्राइस है वहाँ का। उन्होंने कंफर्म किया, उनको टिकट का तो नहीं पता, पर बोट के टाइमिंग का बताया है कि जब तक बोट फुल ना हो वो आगे नहीं बढ़ती है। तो मैंने जूम इन जूम आउट करके देख लिया कि बोट में तो कोई है ही नहीं, तो जाना बेकार है। और ये देखिए हमारी बच्चा पार्टी राइड्स एंजॉय करते हुए उनकी। और ये कर रहे थे यहाँ पर एंजॉय, और हम आगे बढ़े चाय के लिए, क्योंकि यहाँ की चाय बहुत अच्छी रहती है। और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है मसाला टी, क्योंकि यहाँ की मसाला टी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप चाय लवर है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए यहाँ की मसाला टी। और हमारी चाय को थोड़ा सा टाइम था, तो जब तक मैंने इनका मेन्यू कैप्चर किया है यहाँ पर, जो कि मुझे रीजनेबल प्राइस ही दिखा है यहाँ का भी। और वैसे भी हमने हैदराबादी स्टॉल से मुर्गा कबाब लिया था, जो कि बहुत टेस्टी था। वो बात अलग है, मैं से वो वाली वीडियो मिस हो गई है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पर होता है, लाइफ है, हर चीज़ होता है। और भैया ने बहुत देर किया है, इससे अच्छा तो मैं बना लेती जल्दी जल्दी मसाला टी, फिर भी इट्स ओके, सबर का फल मीठा होता है। और ये आ गई हमारी चाय। ये मसाला टी का प्राइस रहेगा 60 rupees में।
यहाँ पर हमारी बच्चा पार्टी ने ये वाले किचन्स भी लिया और ये वाले किचन्स यहाँ पर मिले हैं 60 रुपीज ईच। और ये रहा हमारा एग्जिट, और जैसा कि मैंने कैप्चर नहीं किया था एंट्रेंस का, तो ये रहा एंट्रेंस और यहीं रहेगा एग्जिट भी। और फिर हम बाहर निकल के ये डिसाइड करें कि हमें वोटिंग तो नहीं करना है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास वेट करने का। तो हमने डिसाइड किया हम जाएंगे म्यूजिकल फाउंटेन के पास, और हमें यहाँ पर छोटी सी एग्जीबिशन भी देखने को मिलेगी जो कि अभी ओपन नहीं हुई है, बस राइड्स ओपन हुए हैं यहाँ के। और हम पहुँच गए म्यूजिकल फाउंटेन के पास, और यहाँ आके हमको इसके टाइमिंग्स पता चले, और इसके टाइमिंग्स है 6:30 से 8 पीएम तक। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर और मैं बहुत इन्जॉय करी हूँ ये वाला शो, और यहाँ पर सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे वाले प्ले हो रहे थे। मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि मुझे कॉपीराइट की स्ट्राइक आएगी इसलिए। अगर आप लोग अभी तक यहाँ नहीं आए तो ज़रूर आइए और ये वाला शो एंजॉय करिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप लोग नहीं आ सकते यहाँ पर, मेरा व्लॉग तो है ही, मेरे व्लॉग में देखिए और एंजॉय करिए। और जितना यहाँ पर क्राउड था वो सब भी उतना ही एंजॉय कर रहे थे जितना कि हम एंजॉय कर रहे थे। पता नहीं वो लोग का फर्स्ट टाइम था या फिर वो लोग कितनी बार आए थे यहाँ पर जिस हिसाब से वो लोग एंजॉय कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि वो भी फर्स्ट टाइम ही आए थे यहाँ पर। मैंने बहुत सुना था म्यूज़िक फाउंटेन के बारे में, पर यहाँ आके पता भी चल गया कि जितना बोल रहे थे उससे कहीं ज़्यादा अच्छा दिखता है यहाँ पर आकर। और अगर मौसम अच्छा हो तो और भी अच्छा होता है, और ये टाइम पे हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी यहाँ पर, तो हमने और इन्जॉय किया है यहाँ। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा म्यूज़िक फाउंटेन का कैप्चर किया है क्योंकि जो लोग नहीं आ सकते हैं वो ये वीडियो देखे और इन्जॉय कर सके, और मेरा भी दिल नहीं था यहाँ से हटने का। और ये देखिए मैं जूम इन जूम आउट करके डॉक्टर अंबेडकर का स्टैचू बताते हुए, मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखा है ये भी। बेहतर है वीकडेज में ही आना यहाँ पर, क्योंकि अगर वीकेंड्स पर तो कुछ ज़्यादा ही क्राउड रहेगा। वैसे आज भी क्राउड है पर उतना नहीं है जितना आपको वीकेंड्स पे मिलेगा। फाइनली हमने थोड़ा सा यहाँ पर फोटोशूट किया, और फिर बारी आई एग्जीबिशन जाने की क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे यहाँ पर। ये आगे हम एग्जीबिशन के अंदर जो कि अभी ओपन नहीं हुई है, ये संडे से ओपन होगी। और फिर हमारी नज़र पड़ी है क्यूट से बेबी पर जो कि बहुत क्यूट था, वो नज़दीक भी गए तो कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा था। और फिर हम आगे बढ़े झूलों के पास, और यहाँ का स्टार्टिंग प्राइस है 80 रुपीज़। ऑलमोस्ट झूलों का यहाँ पर 80 रुपीज़ से ही स्टार्ट है।
और यहाँ पर मोस्टली झूले बंद थे क्योंकि क्राउड ज़्यादा नहीं था वो टाइम पे जब हम यहाँ पर आए थे, बट जैसा जैसा क्राउड आने लगा ये लोग ओपन कर दिए सारे झूले। और फिर हम आगे गए किड्स वाटर बोट के लिए, और इसका भी प्राइस रहेगा 80 रुपीस। और फिर बारी आई इसकी, मुझे नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, पर इसका टिकट था 100 रुपीस। और इसमें बच्चे बहुत इंजॉय करे हैं, और हम दोनों ने वहीं पर ठहर के डिसाइड किया कि ये जब ओपन हो जाएगी एग्जीबिशन हम यहाँ पर फिर से विजिट करेंगे और आप लोग को फुल एग्जीबिशन का टूर देंगे इंशाल्लाह। और मैं यहाँ पर ऊपर चढ़ के थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप लोग को बताने की कोशिश कर रही थी कि ये मोस्टली किड्स प्ले जोन भी हो सकता है। हाँ एग्जीबिशन तो है पर उतने स्टॉल्स मुझे कहीं दूसरे नहीं दिखे जैसा एग्जीबिशन में रहते हैं, लाइक क्लोथिंग ईयरिंग्स एंड ऑल दैट। मोस्टली यहाँ पर झूले ही मिलेंगे आपको। और हमने यहाँ से भी एग्जिट ले लिया है, अभी तो ये एग्जिबिशन फ्री है, पता नहीं आगे का कि टिकट रहेगा या नहीं, पर अभी के लिए तो ये फ्री है। और फिर हम यहाँ पर आगे बढ़े आइसक्रीम के लिए, और सबने अपने अपने फ्लेवर्स ले लिए, और सबके फ्लेवर्स थे चॉकलेट ही। और अभी टाइम हो रहा था 10 o'clock, जो कि बहुत लेट हो गया, तो हम कैब बुक करा के वेट कर रहे थे कैब का। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है, और यहाँ पर बॉटल को फुटबॉल बना के खेलते हुए और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हुए। ट्वेंटी मिनट्स हो गए थे और कैब बुक नहीं हुई, तो हमने सोचा कि हम यहाँ से ऑटो हायर कर लेते हैं। और फाइनली हमको ऑटो वाले अंकल मिल गए, और अंकल बहुत स्वीट थे। और ये देखिए एग्जीबिशन का एंट्रेंस जो कि अभी बंद रहा है और संडे को ओपन होगा, हम तो कुछ और ही समझ रहे थे इसको, पर ऑटो वाले अंकल ने कहा कि नहीं ये एक्चुअली ये वाला एंट्रेंस है, वो एग्जिट वाला था। ऑटो वाले अंकल बहुत स्वीट थे, जब उनको पता चला कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो उन्होंने हर एक डिटेल हमें बता रहे थे। और कुछ कुछ जगह पर वो बहुत स्लो चला रहे थे ताकि मैं अच्छे से कैप्चर कर सकूं। और ये हमको दिख गया अम्बेडकर स्टैच्यू। और ये तो सबको पता है, अगर आप हैदराबाद से हो तो कमेंट करके बताएं कि इसका क्या नाम है। ये वाली बिल्डिंग को मैंने सेकेंड टाइम देखा है, पर फर्स्ट टाइम मैंने डे टाइम पे देखा था और अभी नाइट टाइम पे देख रही हूँ, और लाइट्स में तो बहुत प्यारा दिख रहा है। बहुत प्राउड फील होता है कि ये सब हैदराबाद में और हम हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। और ये वाले ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नए ब्लॉग में या फिर नए रेसिपी के साथ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली को टाइम दीजिएगा, फैमिली के साथ इंजॉय करिएगा, क्योंकि फैमिली खुश है तो हम खुश है। टेक